छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया है, वहीं 2 जवान घायल हैं। सूचना के अनुसार अभी भी लगातार मुठभेड़ जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने एक्स अकाउंट पर सूचना देते हुए लिखा कि नारायणपुर जिले के ओरछा थाना के अंतर्गत फरसबेड़ा दुर्बेड़ा के बीच सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, 8 नक्सली मारे गए हैं। बीडीएस बीजापुर एवं बीडीएस 231 सीआरपीएफ की टीम ने डी माइनिंग के दौरान आईडी बरामद किया है, जिसे मौके पर निष्क्रिय कर दिया गया है। निमेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गदामली केडर के मध्य निर्माणाधीन मार्ग पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए सीआरपीएफ 231 वाहिनी सी कंपनी कैंप जियावरम और थाना जांगला निमेड़ का बल निकला था। माओवादियों के द्वारा स्ट्रीट सोलर पैनल के पोल को काटकर बम तैयार किया गया था, जिन्हें गदामली और कड़ेर के बीच रोड किनारे और रोड के बीच में प्लांट किया गया था। प्लांट बमों में 2 पाइप बम और 1 कुकर बम था, जिसमें पाइप बम लगभग 30-30 किलोग्राम के और कुकर बम 10 किलोग्राम के लगाए गए थे। भाजपा के पार्षदों ने दुर्ग शहर के विधायक का उत्साह से जन्मदिन मनाया। उन्होंने उमंग और उत्साह के साथ अग्रसेन चौक में एकत्रित होकर विधायक से केक कटवाया और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। एक अधेड़ ने घर में म्यार में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना लोरमी थाना के टेकनपारा पेंडी तालाब की है। लोरमी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहर में लोगों के लिए व्यवस्थित और बहुत ही कम कीमतों में घर उपलब्ध करवाने के लिए आवास बनाए गए। गरीब भूमिहीन परिवारों और बेदखल हुए जरूरतमंद लोगों के लिए बने इन नए आवासों में अतिक्रमण होते जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत लगभग 2 वर्ष पहले सरस्वती नगर वार्ड नंबर 34 शिवपारा दुर्ग में 500 से अधिक आवास बने थे, लेकिन अभी तक किसी भी हितग्राहियों को इनका वितरण नहीं किया गया है, बल्कि कुछ लोग जबरदस्ती घुस गए हैं। वहीं असामाजिक तत्वों का डेरा यहां पर लगा रहता है। नगर निगम में लगभग 1542 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न ठेकेदारों द्वारा विभिन्न स्थलों पर इसका निर्माण हो रहा है और जहां जहां पर निर्माण पूर्ण होते जा रहा है, लोगों को, हितग्राहियों को उसका लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में जो आप बता रहे हैं सरस्वती नगर की, वो स्थिति विगत 2 वर्ष पहले से उसकी स्थिति खराब है और वहाँ पे जो ग्रिल वगैरह लगे थे वो चोरी हो गए थे। उस पर हमने लगातार थाने को भी सूचित किया है कि चोर वगैरह यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे गश्ती की जाए। वर्तमान में वो ठेकेदार के उस पर अभी भी ठेकेदार का ही वो है कार्य है और ठेकेदार उसको पूर्ण करके निगम को हस्तांतरित।